सब्सक्राइब कीजिए हिंदी बोलेगी चैनल को और दबा दीजिए इस घंटे को मजेदार और ज्ञानवर्धक वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, सभी लोग अपने जीवन काल में मोमबत्ती का उपयोग जरूर कर चुके हैं या करते रहते हैं, लेकिन कंपनी में या फैक्ट्री में मोमबत्ती बनती कैसे है ये कोई नहीं जानता। चलिए आप लोगों को बताते हैं कि मोमबत्ती कैसे बनती है। मोमबत्ती को बनाने के लिए कंपनी वाले दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, एक मोम और दूसरा धागा। मोमबत्ती को बनाने के लिए जो मोम प्रयोग किया जाता है उसको पैराफिन मोम या पैराफिन वैक्स कहते हैं। अब दोस्तों, मोम सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है और ये कोई नहीं जानता कि मोम कहाँ से आता है और कैसे बनता है। मोम खनिज और पेट्रोलियम से बड़ी मात्रा में तैयार किया जाता है। यह एक ठोस चर्बी जैसा होता है। कई जानवर भी मोम बनाते हैं। इंसान की नाक में मौजूद चिपचिपा पदार्थ भी मोम बनाता है और हमारे कान के मैल से भी मोम बन सकता है। इस प्रकार के सभी मोम जो जानवरों और पेड़ पौधों से मिलते हैं उनको जैविक मोम बोलते हैं। मोम को सिंथेटिक यानी कृत्रिम तरीके से भी तैयार किया जा सकता है। कृत्रिम मोम को बनाने के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और क्लोरीन को सही मात्रा में मिलाकर बनाया जा सकता है। मधुमक्खियों के छत्तों से भी बड़ी मात्रा में मोम मिलता है। मोम की खासियत होती है कि यह कमरे के तापमान पर हमेशा ठोस अवस्था में रहता है और 37 डिग्री से ज़्यादा तापमान पर यह मोम पिघलने लगता है। अब मोमबत्ती बनाने के लिए कंपनी वाले मोम को या तो ऑनलाइन खरीद लेते हैं या डायरेक्ट किसी कंपनी से जाकर ले लेते हैं जो उनको ठोस अवस्था में मिलता है। फिर उस मोम को ज़्यादा तापमान पर गर्म करके पिघला लेते हैं और अब मोमबत्ती के बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। दोस्तों, अब पिघले हुए मोम को इस मशीन के मोल्ड्स में डालते हैं जो मोमबत्ती के आकार के होते हैं। इस मशीन में मोल्ड या खाने या सांचे बने होते हैं जो मोमबत्ती के आकार के होते हैं। अब पिघला हुआ मोम इन खानों में चला जाएगा और अपनी जगह ले लेगा। इस मशीन के सभी खानों में जो मोमबत्ती के आकार के होते हैं, इन सभी खानों में पतले पतले सरिये या पतली पतली लोहे की पिन पहले से ही लगी होती है ताकि ठोस मोमबत्ती के बीच में से खाली जगह रह जाए और उनमें से धागे को आसानी से गुजारा जा सके। फिर जब गर्म मोम ठोस हो जाता है तो कम से कम 20 या 30 मिनट के बाद जो मशीन के ऊपर फालतू मोम का स्क्रैप बचा होता है उसको हटा लिया जाता है और अब पुश बटन के माध्यम से इन सभी ठोस मोमबत्तियों को सांचों से बाहर निकाल लिया जाता है और फिर इनको पैकिंग करके मार्केट में भेज दिया जाता है। दोस्तों, अगर ये जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना।